हजरात का ये है जी कि आपके जो मामलात हैं वो ज़्यादातर आपके हक में हैं और ख़ानदान फैमिली का कोई आदमी है, फैमिली का कोई फ़र्द है, आपकी फैमिली का कोई फ़र्द है जो आपकी हमायत करेगा, मदद करेगा। नंबर दो, ये आप एहसास करें कि फैमिली में अगर इकट्ठे मिलकर काम किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें, तो टीम वर्क जो है उसको आप अपनाएं और इस तरह आप अपनी फैमिली लाइफ में बेहतरी पैदा कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सुमले हजरात की तरफ। सुमले हजरात, आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, आपने जो फैसले किए हुए हैं उसमें आप में बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है, शराकत कारी के मामलात में भी आप बहुत कामयाब नज़र आ रहे हैं और रिश्तेदारों से मुलाकात करके आपको बड़ी खुशी होगी, और लाल की वजह से भी किसी वजह से औलाद की वजह से भी खुशी आ रही है, और इस तरह आप अपने काम को आगे बढ़ाते नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ मिजानी अफराद की तरफ। मिजानी अफराद, आप बातचीत मुज़ाकरात की तरफ माइल हो रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये जहन में रख कर और अपने प्लानिंग को जहन में रख कर, अपनी हिकमत अमली को जहन में रख कर, आप जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसमें हिस्सा लें। अपनी तरफ से आप मुज़ाकरात के हवाले से तामीरी तौर पर हिस्सा लें और इंशाअल्लाह आपकी जो शख्सियत है, ईमानदारी की वजह से, इंसाफ की वजह से, ये दोनों चीज़ें आपके हक में जा रही हैं, इसकी वजह से आपका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो आप हिस्सा लीजिए मुज़ाकरात में और सूरत हाल को काबू में करें। हाँ जी, डालने की कोशिश करें तामीरी तरफ।